अगर आपको पैसा वसूल पिक्चर देखना है ना तो पठान जरूर देखो। वो तो सब गया है ना सर, अब पूछता कौन है वो कंट्रोवर्सी को। शाहरुख तो शाहरुख है, उसके अलावा कोई दिखा नहीं मेरे को पूरी पिक्चर में। शाहरुख से ज्यादा बेस्ट जॉन था। सलमान तो मतलब जब उन्होंने एंट्री ली एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है या वो आने वाले हैं। मोस्ट इगली वेटेड फिल्म पठान आ गया है पर्दे पे, कैसा लगा फिल्म आपको और क्या खास नजर आया इस फिल्म में जो लोग आए थिएटर में? शाहरुख एज अ एक्शन हीरो फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमेशा उन्होंने रोमांस वगैरह पे ही फोकस करा है, मतलब उनके डेडली लुक्स, उनकी आईज एंड रोमांस एंड ऑल, बट इस पिक्चर में उन्होंने एक्शन पे मेन फोकस करा है और उसमें वो ऑसम कर रहे हैं एक्शन में, मतलब एकदम क्रेज है ख़त्म, बॉक्स ऑफिस पे जाने वाली पिक्चर। सलमान भाई भी नजर आए हैं, सलमान भाई भी नजर आया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सलमान भाई की एंट्री भी बहुत ऑसम है, जबरदस्त है एंट्री के बाद, थोड़ा कॉमेडी वगैरह भी उनके साथ, बहुत ऑसम लगा। बट शाहरुख तो शाहरुख है, उसके अलावा कोई दिखा नहीं मेरे को पूरी पिक्चर में। जॉन ने भी बहुत अच्छा करा है एक्टिंग, जो बात है हर पिक्चर से। लास्ट टाइम रेस में थोड़ी थोड़ी कहीं ऐसी एक्टिंग लगी थी, बट इस पिक्चर में तो जॉन भी पूरे खत्म है एक्टिंग लुक्स। दीपिका कितनी ग्लैमरस है, देखिए मन गाना है या? बहुत अच्छा गाना है और दीपिका भी बहुत ऑसम लग रही है। अच्छा ये बताइए, ये जो कंट्रोवर्सी हुआ था इस फिल्म को लेकर वो कितना जरूरी था या क्या जरूरी था? वो तो सब गया है ना सर, अब पूछता कौन है वो कंट्रोवर्सी को। फिर भी आपको क्या लगता है वो जरूरी था? फिल्म का प्रमोशन अच्छा हो गया इस बहाने, फिल्म का प्रोफेशन अच्छा हो गया, ये बात सही है, बट वो ज़रूरी नहीं था, इतना मैटर नहीं करता है। वो अपनी थिंकिंग के ऊपर मैटर करता है कि हाउ डू यू थिंक अबाउट द सॉन्ग एंड हाउ यू गेट द वे टू सॉन्ग सिंग, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। कर सकते हैं सर, अभी वी आर वेटिंग फॉर जवान एंड डंकी ऑल्सो। 100 सर, उससे भी ज़्यादा। फैंटास्टिक, मज़ा आ गया और एक्चुअली ऐसी ही फिल्म देखने का मतलब हमें था कि चलो ऐसा कुछ देखने को मिले, तो वो देखने को मिल गया। सलमान तो मतलब जब उन्होंने एंट्री लिया एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है या वो आने वाले हैं, सो उनके आने के बाद लगा कि एक्चुअली एक वो जो उनकी फ्रेंडशिप थी वो उन्होंने निभाई और दोनों को साथ में देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। बिकॉज शाहरुख बहुत टाइम बाद आए हैं और थोड़ा थोड़ा प्रमोशन दोनों फिल्मों का भी हो गया, टाइगर का भी हो गया, सो वो अच्छा था। और जितना एक्शन फिल्म में दिखाया वो रिक्वायर्ड था। तो जो एक दो लोग ये भी बोल रहे थे कि बहुत फालतू का एक्शन लग रहा है या शाहरुख को कुछ ज़्यादा यंग दिखाते, तो वो फिल्म की डिमांड थी। और एक्चुअली फिल्म में अगर देखें तो शाहरुख ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी है जो फिल्म में दिखाई दे रही है। तो ये दीपिका का एक्शन बहुत अच्छा था, दीपिका का रोमांस बहुत अच्छा था और शाहरुख और दीपिका की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया किया उसने। 5 स्टार फिल्म ज़बरदस्त थी। अगर आपको पैसा वसूल पिक्चर देखना है ना तो पठान ज़रूर देखो। जॉन अब्राहम की एक्टिंग, उसका एक्शन ज़बरदस्त था पिक्चर के अंदर। बकवास है फिल्म, क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैम आप बताइए प्लीज। लव्ड इट। एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा? बहुत अच्छा था। जॉन बेस्ट था, शाहरुख से ज्यादा बेस्ट जॉन था। सलमान भाई? सलमान का एंट्री बहुत अच्छा लगा मुझे और अच्छा लगा कि वो ये पार्ट था मूवी का। बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए ऐसे दूसरे स्टारर मूवी में एक एज अ कैमियो देना, बट सलमान हमेशा देता है। जैसे वेड में भी दिया था, अभी जो रितेश देशमुख की फिल्म थी उसमें भी दिए थे। आई एंजॉयड इट सो मच, इट वाज सच अ नाइस फिल्म, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एंजॉयड सो मच। एक्शन बहुत अच्छा था, लव सीइंग दीपिका फॉर द एक्शन पार्ट। जॉन इज लाइक वेरी हॉट ऑब्वियसली, एंड सलमान की एंट्री हुई तो मजा आ गया, अच्छा लगा देख के।